आई एम सॉरी नीता, तो मैं इतनी रात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। दरअसल मैं वकील साहब के यहाँ गया था ना, वहाँ देर हो गई। आज अंकल की विल खुलनी थी ना, वो तो सुबह ही खुल गई थी ना। हाँ, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा आज खुलना था ना। लगता है कि उनको कुछ चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, इसीलिए उन्होंने दूसरी विल लिखी। वो क्या कहते हैं, कोडिसिल। भाई पहली विल में तो तुम्हें वो 500 रुपए और एक अंगूठी छोड़ गए थे, लेकिन इस बार ये 50,000 रुपए छोड़ गए हैं। ये तुम रख लो। लेकिन सुबह तो वकील साहब आए थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है? तुम मुझे कभी समझ नहीं सकी नीता। मैं तुमसे प्यार करता हूं, कम से कम ये तो जानती हो ना। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं, यही ना। लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि हमेशा ऐसा ही रहेगा? अगर मैं तुम्हें नहीं समझ पाई हूं तो क्या तुम मुझे समझ पाए हो? यही तो मेरी ट्रेजेडी है नीता। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना पड़ता है, सब कुछ समझते हुए भी ना समझ। लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या अब कोई भी चांस नहीं? मैं तुम्हारी मजबूरी का मतलब खूब समझता हूं और उसकी वजह भी, लेकिन मैं बस अब तो एक ही काम बचा है। जरा पेपर और पेन तो देना। अनग्रेटफुल ओल्ड मैन के 50,000 रुपए अमर खुशियों के खाते में डाले और चुकता किया ईश्वर का कर्ज दुनिया की सबसे प्रिय महिला के प्रति। अच्छा अश्विनी, एक लिफाफा तो लाए हो तुम मेरे लिए, और एक लिफाफा मैं तुम्हें दूंगा। चीयर्स। लेकिन वकील साहब, मेरे लिफाफे में तो आपके लिए हिसाब है। इस लिफाफे में क्या है? इस लिफाफे में तुम्हारे अंकल की सप्लीमेंट्री बिल है। एक और वसीयत? लेकिन आपने तो कहा था कि... हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि उन्होंने मेरे पास और कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन यकीन मानो कि मैंने तुम्हें जो भी कुछ बताया वो एकदम जैसे भी उनकी हिदायत थी उसी के हिसाब से बताया। ये कोडिसिल इस मेन बिल में लिखा हुआ है, तुम पढ़ना नहीं चाहोगे? नहीं वकील साहब, अगर ये इतना जरूरी है तो आप ही पढ़िए ना। ओके। हाँ, ये देखो, इसमें लिखा है कि अगर आपके हिसाब से ये लगता है कि आपने पैसा सद्बुद्धि, अक्लमंदी और निस्वार्थता से खर्चा है तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। फायदा होगा? कैसा फायदा? बताता हूँ, जरा सब्र तो कीजिए। खर्चा इस हिदायत के मुताबिक हुआ है या नहीं हुआ, इस फैसले का जज मुझे बनाया गया है। हाँ, विश्वास कीजिए मैं अपना काम पूरी निष्पक्षता से करूंगा। लेकिन वकील साहब, ये फायदा है क्या? पर हमारी जजमेंट में अगर आपका खर्चा, अपने अंकल के वर्ड में सुन लीजिए, अगर पैसा बदनाम साथियों पर लुटाया तो सारा फायदा। क्या फायदा? ये फायदा है क्या? नीता जी को पहुंच जाएगा। आपके अंकल का आदेश है कि यदि आपने पैसे ठीक से खर्चे हैं तो आपको 50 लाख रुपए नकद दे दिए जाएं, और अगर ठीक से नहीं खर्चे तो सारी की सारी रकम नीता जी को दे दी जाए। चलो अब मैं तुम्हारा हिसाब देखता हूं। सब ठीक है, सब ठीक है वकील साहब, सब ठीक है। क्यों बेकार में आपका समय नष्ट किया जाए वकील साहब? और वैसे भी आप जुए और सट्टे के बारे में क्या जानते हैं? अरे आप हैरान क्यों हो रहे हैं? भाई मैंने तो सारा पैसा जुए, सट्टे और रेस में गवा दिया। चलो अंकल की आत्मा को सुकून मिलेगा कि मैंने ये पैसा अपने बदनाम साथियों पर तो नहीं बर्बाद किया। नमस्कार।